और खत्म करने के हमें एक आईसीए का पेपर हमने लिया था, बाकी भी कर लेते, देखते किसको कितना आ रहा है। और आपको याद है हमने कल क्या कुछ किया था? क्या किया था आपको याद है? उसमें आपको याद है उसमें कुछ हमने मेमोरी टेक्निक्स वाले क्वेश्चन देखे थे। उन सिर्फ टेक्निक्स को मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ईआरपी के फायदे कौन से, मैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन लूंगा जहां पर टेक्निक्स इन्वॉल्व है, बाकी कंसेप्ट तो आपको याद ही है। आईएलएस कॉलेज में साइकिल में बैठ के कस्टमर को सप्लायर ने फ्लेक्सिबल कॉस्ट में एक्यूरेट एनालिसिकल टेक्नोलॉजी दिया, राइट? तो आई फॉर व्हाट बताएंगे? आपको पूरा इंफॉर्मेशन ईआरपी में इंटीग्रेट होके मिलता है। एल फॉर आपका लीड टाइम कम होता है, एस फॉर ऑन टाइम शिपमेंट होता है। आईएलएस कॉलेज में कस्टमर साइकिल पे, यानी कि अगेन साइकिल, यानी कि ऑर्डर देने से ऑर्डर मिलने तक का टाइम कम होता है। आगे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, सप्लायर का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, एग्जाम्पल जोमेटो, आप बताएंगे। आगे आपको फ्लेक्सिबल, यानी कि ईआरपी फ्लेक्सिबल है, क्वालिटी कॉस्ट कम हो जाती है। एक्यूरेट यानी कि पूरी तरह से थार जैसे लोग जो है एक्यूरेट प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकते हैं प्रोडक्शन की, और इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सर बाकी क्वेश्चन आज रिवाइज नहीं करेंगे, ऑलरेडी आता है, उसके ऊपर टाइम नहीं डालेंगे। वहां पे जहां पे टेक्निक्स इन्वॉल्व है वहां पे मैं सवाल पूछूंगा आपसे। यहाँ पे है, आप बताएंगे कंट्रोलिंग मॉडल के कुछ पॉइंट्स बताइए। एक कॉस्ट एलिमेंट्स है, एक कॉस्ट सेंटर है, इंटरनल ऑर्डर्स है, प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी का क्या नाम है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है एंड प्रॉफिट सेंटर है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट सेंटर यानी कि एक एक चीज का, यानी कि अगर मैं वो हूं आईटीसी, अगर मैं हूं तो उसका उसका सिगरेट से कितना आ रहा है, उसका एफएमसी जैसे, ये आ रहा है आपका जी वाला पॉइंट। ओके, आप एक बार सारे पॉइंट्स, कॉस्ट एलिमेंट में क्या था, ओवरऑल कॉस्टिंग, कॉस्ट सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन के एचआर में कितना, प्रोडक्शन में कितना पैसा आता है, एक्टिविटी बेस में इंटरनल क्रॉस ऑर्डर्स, इंटरनल ऑर्डर्स में आता है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, एसी का कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि आप सिर्फ लक्स का कॉस्ट कितना आएगा, लाइबर का कितना आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट सेंटर यानी कि एक एक उसका। सेल्स के छह स्टेप बताइए। प्री सेल करेंगे, सेल करेंगे, इन्वेंटरी को बात करेंगे, मटेरियल को डिलीवर करेंगे, बिलिंग देंगे, पैसा मिलेगा, पेमेंट, राइट? याद आ रहा, एक बार देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ वही पॉइंट्स दे रहा हूं जहां पे आपके पॉइंट्स इन्वॉल्व है, आप बताएंगे सब, वो बताओ सीआरएम के फायदे बताओ। आप भूल गए, डाई कुछ था ना, डाई, ये डाई वाला नहीं है, मैं सही बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहे हो, कॉम्पिटिशन से आपका रेवेन्यू डाई हो जाता है। देखो कैसा कर रहे हैं आप, आपको समझा आपके मेमोरी में प्रॉब्लम क्या है, 24 आवर्स की वैलिडिटी नहीं है उसका, इसका ही तो है, क्या बात कर रहे हो आप, इसका क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, वो वाला किसका था जो अपन ने किया, वो हाँ वो बीआई का है। ओके आई एम सॉरी, अब बताएंगे इसका क्या था फिर, हाँ तो कुछ कर लो इसका भी, कुछ कर लो इसका, वरना यही क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन, सीआरएम के फायदे बताओ। यहां पे कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर लिखा है, कस्टमर रेवेन्यूज दिखा है, रिलेशनशिप को आर अंडरलाइन करो, रेवेन्यू का आर अंडरलाइन कर दो, आर आर, उसके बाद में क्रॉस सेल का सी, और इंटरनल कम्युनिकेशन अगेन सी, आर आर सी सी, आर आर सी सी एम, CRM लिख दो, CRM क्वेश्चन भी CRM है और आंसर भी CRM, ऐसा 2000 सालों में एक ही बार होता है, क्वेश्चन भी वही, मेमोरी टेक्निक भी वही, आप लिख दीजिए CRM, क्वेश्चन भी CRM और टेक्निक भी CRM, लिखेंगे अच्छे से। इधर के लोगों में जो आपसी बातें चल रही है, जो सन्नाटा छाया, आप किताबें निकाले, वहां पे CRM लिखे, दो बार सी, दो बार आर और एक एम होता है। CRM आपने लिख दिया, अरे लिखो जल्दी, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं CRM के फायदे बताओ, तो अपने CRM के फायदे CRM में होते हैं। डबल सी बताओ, दो सी कौन से होते हैं,
कस्टमर को देखो, सीआरएम अच्छे से होगा तो कस्टमर से अच्छे संबंध बनेंगे। ए आता का यू रिमेंबर दिस, तो हम लोग उनको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, उनके जो कंप्लेंस है एप्लीकेशन पे लेंगे, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इट विल ब्रिज द गैप बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ना कि सिर्फ कलेक्ट करता है, वो सिर्फ ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजमेंट करता है, वो उन्हीं को एसएमएस भेजता है जो एसएमएस के लायक है। ओके, दो सी बताओ कौन से, कस्टमर से, नहीं नहीं क्रॉस सेलिंग होता है आपका, जैसे आप जोमेटो पे जाओगे वो कोई और भी ऑर्डर ऑफर कर देगा आपको, और एक सी है कम्युनिकेशन अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में। दो आर है, कस्टमर से अच्छे संबंध बनेंगे, उसको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो आप। आर से बुक माय शो ने मुझे आता क्या बोल के रेवेन्यू बढ़ाया, और एम फॉर आपकी मार्केटिंग उसी को ही होती है जिसको होना चाहिए, आप किसी को सेंड टू ऑल नहीं करते हो। दो सी, दो आर एम, दो सी बोलो एक बार फिर से, क्रॉस सेलिंग कम्युनिकेशन, आर से रेवेन्यू रिलेशन, एंड एम फॉर व्हाट, क्वेश्चन भी वही याद रखे, क्वेश्चन भी वही। आप बताएंगे स्टार किसका टेक्निक है, एमआईएस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें स्टार होना चाहिए, एस फॉर स्ट्रक्चर, एस फॉर स्ट्रक्चर, ए फॉर आर फॉर स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसके अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, टी से टाइम पे आना चाहिए, ए से एक्यूरेट होना चाहिए, आर से जिस टाइप की वो ऑर्गेनाइजेशन है वैसे वो होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई टेक्निक इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे है। आप बताएंगे एक्सबीएल के यूजर कौन कौन है, रेगुलेटर्स है, गवर्नमेंट है, कंपनीज है, बोलो कुछ भी बोलो, डेटा प्रोवाइडर्स है, इन्वेस्टर्स है और अकाउंटेंट है। आप बताएंगे एक्सबीएल के चार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, डी एस एल आर, डी फॉर व्हाट, यानी कि आपको दिया है कि इसको सनरीडेटर ही बोलते हैं, एस फॉर व्हाट, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट आपको मिलेगा, एल फॉर व्हाट, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, और आर फॉर व्हाट, आपके रूल्स, आप खराब चीजें डालोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, याद है आपको ये? और आपको याद है उसका हमने ईएस एसएमएस टेक्निक बनाया था, बिजनेस रिपोर्टिंग क्यों करते हैं ईएसएम के लिए, ई फॉर व्हाट एक्सप्लेनेशन देने के लिए, आई फॉर व्हाट, आई फॉर व्हाट, ओके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एस फॉर आपके स्टेक होल्डर्स को अगर जानना है तो वो इससे जान सकते हैं हमारे बारे में, और सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए आपके पास में होना चाहिए बिजनेस रिपोर्टिंग, वरना आप बायजूस बन सकते हैं। दोस्तों बीआई का वही देखा था हमने, बीआई यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफिकल रिपोर्ट बनाएगा, पूरे स्क्रीन पे 360 डिग्री व्यू मिलेगा, इज इट टू अंडरस्टैंड है। बीआई और डीए में जो डीए होता है वो सिर्फ वो डीए तो कुछ भी हो सकता है, पर कोई भी ऐसा डीए जो बिजनेस के बारे में हो तो उस डीए का नाम, और डीए अगर पॉपुलेशन का हो तो वो डीए होता है, वो बीआई नहीं होता। तो बीआई के फायदे बोलेंगे आप, बोलो भाई, डाय होता है, क्या होता है, कंपटीशन में रेवेन्यू डाय होता है, तो आपके जिस तरह में बीआई हुआ कंपटीशन में आगे जाएगा, रेवेन्यू आपका बढ़ सकता है अगर बीआई अच्छे रिपोर्ट दिखा दे तो। डी फॉर व्हाट, अगर बीआई तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, आई से आपका इंटरनल प्रोसेस ऑप्टिमाइज होता है, और ई से आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। यही देख लीजिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा हौले से कर रहे थे, मुझे आपको लगा कि मुझे देख के लगा आपको नहीं आ रहा था, आपके एक्शंस और देख के, आप एक बार देख लीजिए अपनी आंखों से, ये देख के आपको पता नहीं आपके बॉडी में कुछ कुछ हुआ, देख के एक बार अच्छे से देख लीजिए, रेवेन्यू डाई होता है वो करके कॉम्पिटिशन से। तो कॉम्पिटिशन से क्या होगा, बी आई से आपका कॉम्पिटिशन में आगे जाने का मौका मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। हाँ बोलो आगे, रेवेन्यू आपके बढ़ेंगे बिकॉज बी आई आपको सबको स्क्रीन पे लाके देगा, डी से आपके डिसीजन अच्छे होंगे बिकॉज सबको स्क्रीन पे होगा, आपके इंटरनल प्रोसेस ऑटोमेट होंगे, और ई से आपके कम समय में ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। ओके ये हो गया, आप बताएंगे डेटा एनालिटिक्स के तीन स्टेप्स, डेटा कलेक्शन, बाद में फिक्सिंग प्रॉब्लम जो हटा दिया, और लास्ट में मॉडल बना के उसके रिपोर्ट प्राप्त किया हमने। दैट्स ऑल गाइस, ये सब कुछ हुआ, हम लोग जा रहे हैं आईसीए के उस पेपर के ऊपर, आर यू रेडी फॉर इट, हम लोग आईसीए के सारे क्वेश्चन पेपर को ठोक देंगे आज। सर ऐसा क्या हर चैप्टर के साथ में करेंगे, हर चैप्टर के साथ में ये होगा जो अभी हो रहा है, ठीक है ना, आईसीए भी मार्केटिंग करता आजकल, ऐसे खुद ही मार्केटिंग कर रहे हैं और ये लोग भी मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, हाँ तो मार्केटिंग है। आगे एवरीबॉडी वेलकम बैक, ये आपके सामने दोस्तों इंटरमीडिएट,
नवंबर 18 गाइस चेक इट आउट, देखते कितने लोग आता है इसमें से। आपको पूछा 2 मार्क के लिए डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्या आपको डेटा एनालिटिक्स याद है? एग्जाम्पल दे सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल दिखाया ना, कल भी दिखाया है यूट्यूब एनालिटिक्स। आप बताएंगे ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब आ गया ना इसमें। ओके, एनालिटिक्स से आपको जो डेटा मिलता है वो कैसे मिलता है? ग्राफिकल मिलता है या टेक्स्ट मिलता है? क्या वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं? उससे डिसीजन लेना इजी, क्या फास्ट हो जाता है? क्या आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है? और क्या बोलेंगे इसके बारे में? और है, 2 मार्क मिल चुके हैं आपको। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ERM तो आपको मैंने नहीं पढ़ा अब तक, बिकॉज चैप्टर 1 से है ये। और 4 मार्क के लिए देखते कितने लोग आएगा, जो आएगा मतलब वो पास होगा। इसमें लिखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो कितना वाहियात क्वेश्चन सेट करते, पूछा कुछ है नहीं, सिर्फ जानबूझ के लाइंस बढ़ा दी और वो भी पीले कलर में आपको काला पीला लिख के दे दिया। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू स्विच ऑन एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर फॉर द अकाउंटिंग एंड टैक्स। उनका बोलना है कि वो पहले अकाउंट अलग यूज कर रहे थे, टैक्स अलग यूज करते, उनकी प्लानिंग दोनों साथ में करेंगे, तो आपको उसके फायदे और नुकसान बताना है। कितने लोगों को आ रहा है ये? यू रिमेंबर किसी से हमने बात की थी? क्या आप अंदर से निकलेगा बाहर? देखते 4 मार्क किसको मिलेंगे। दोस्तों आप बताएंगे दोनों का अगर साथ में है और दोनों अलग है तो मैं सवाल पूछूंगा ये क्या है, बताओ कहां पे आपको लिखना पड़ेगा खुद से, कहां पे नहीं लिखना पड़ेगा, कहां पे एरर्स हो सकते हैं, कहां पे बनाना मुश्किल है जब वो एक साथ है। विच वन इज वेरी कॉस्टली जब वो एक साथ में है, और किस में वो होता है आपको वो मिलता है, मतलब वो ज्यादा फीचर्स जब आपके अलग अलग होंगे। तो कुछ अच्छी बातें कुछ खराब बातें वो गए प्रोज एंड कॉन्स। 5 पॉइंट्स मैंने बोले, उसमें से कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे थे, आप लिख देना। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? मैंने ये क्वेश्चन पूछा नवंबर 2018 से। ओके, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, ये हमारे नहीं है, नहीं है ये, नहीं है ये भी नहीं है, नहीं मैं अभी वर्चुअलाइजेशन सब तब करूंगा जब मैं चैप्टर 4 जो आज से मैं रिवाइज कराऊंगा, तो मैं चैप्टर 4 को कल पूछूंगा। अभी मैंने चैप्टर 4 पढ़ाया है पर मुझे नहीं पूछना है, मैं क्यों पूछूं? जब मेरा वक्त आएगा तब मैं पूछूंगा। दोस्तों हमें अभी नवंबर 2019 में, आर यू रेडी फॉर इट? अच्छा जान दो, बोल दो, चलो यार ओवर IoT के 2 एग्जांपल दे दो। कितने लोगों यार IoT के एग्जांपल्स? अरे आपने तो रिवाइज भी नहीं किया फिर भी आ गया, क्या ब्रेन है आपका यार? वस्तुओं पर इंटरनेट बताएंगे कौन से कौन से एग्जाम्पल है, कार है, ओला है, AC है, TV है, खेती का वाटर पंप है, गीजर भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन, TV, AC सब आएगा, डस्टबिन देखा था हमने, CCTV, बस बस सबको मिलेगा, सबको देंगे दो, सबको दो, 2 में से 3 देंगे। मैंने अभी बोला था वो हौले लोग पूछेंगे, आई न्यू इट, बैंग ऑन। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि वो हौले लोग पूछेंगे, आपको CRM मालूम रहेगा, वो देखो क्या ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये मेमोरी है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, बताओ CRM क्या है? तो लेट के आधा पेज लिख देंगे, तो कितना भी एक पेज भी लगा था 2 ही मार्क देगा, बिकॉज क्वेश्चन 4 मार्क का है। उसने डिवीजन क्या होगा, ऊपर वाले के 2 नीचे वाले के 2, तो ऊपर वाले के 2 नीचे वाले के 2, तो ऊपर वाले का तो आपको ज्ञान दे देंगे, नीचे वाले का CRM के बेनिफिट आपको याद है, बोला भी था, क्वेश्चन भी वही है और टेक्निक भी वही है। आंसर क्या? CRM, C2C2RM, 2C CRM लगाएंगे तो आपका क्रॉस सेलिंग होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपके रिलेशनशिप कस्टमर से अच्छे होंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपकी मार्केटिंग ऑप्टिमाइज होगी। अब जिसको मेमोरी टेक्निक से प्रॉब्लम है वो फिर AIS में पास होना मुश्किल है, क्योंकि 70 मार्क्स में से 30-35 मार्क्स के क्वेश्चन तो वो मेमोरी टेक्निक बेस्ड पूछते हैं, बेस्ड यानी कि वो आएगा उसमें आपको टेक्निक्स को याद करके लिखना है। कुछ लोग हैं जिनको बोलते हैं सर ये मैंने बचपन से ऐसा नहीं पढ़ा है, ये कोई बच्चों की तरह, आप मत करना, अगले टाइम में जरूर करोगे।
एक अटेम लगता है समझने के लिए क्यों क्यों करा हमने, क्योंकि आईसीआई का पैटर्न वैसा है भाई, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यू नहीं, चार गोले में से एक गोला सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 30 मार्क्स की सिर्फ एमसीक्यू है, 70 में डिस्क्रिप्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो आ रहे हैं। आप बताएंगे वैसे सीआरएम का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को याद आ रहा है, उसका एक फेमस डायलॉग है बताओ, तो ये आता कैसे, हम लोग पूरा लिख सकते हैं अच्छे से, बताओ क्या लगता है ये कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का क्या है, एक ब्रिज है जहां पे कस्टमर की सारी जानकारी कलेक्ट होगी और फिर वो उसको ही मार्केटिंग करता, जो अगर मैंने लास्ट टाइम अगर डिस्काउंट से परचेस किया होता इस बार बराबर डिस्काउंट के लिए वो मार्केटिंग करेगा। मैंने लास्ट टाइम इंग्लिश कॉन्सर्ट किया था इसलिए बोलता है, आपने जब जब भी आपको हैप्पी बर्थडे आता है और जो जो आता है ये कौन करता है, तो सीआरएम प्रमुख से क्या करता है, प्राइमरी वो डेटा कलेक्ट करता है, आपको समझता है और आपको वैसी ही जानकारी देता है, टारगेट करता है जो जिस विषय पे आप इंटरेस्टेड हो, उसको सीआरएम कहते हैं। ओके हो गया, चार मार्क्स देंगे, चार और दो छह हो गया, आगे देखते क्या है आपके लायक, कुछ है ये तो आपके लायक नहीं है, ये भी आपके लायक नहीं है, मोबाइल कंप्यूटिंग वैसे आता है आपको पर मैं अभी पूछूंगा नहीं, अरे अभी क्यों पूछो, कहाँ है, अरे इसका जवाब दे दियो, बोल रहे दो टाइप के डेटा होते हैं, मास्टर याद आ रहा, कितने लोगों का मास्टर नॉन मास्टर याद आ रहा, अरे आपको सभी को आ रहा, अरे कैसे हो गया ये, आप बताएंगे पहले मास्टर बनता है या नॉन मास्टर, कौन सा रिलेटिवली परमानेंट होता है, हर बार ही चेंज होता है, पहले ये बनेगा, आधार कार्ड, पैन नंबर, जेंडर, क्वांटिटी, हाँ बोलो ना मास्टर बोलो, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, ओके नेक्स्ट, ओ बेबी व्हाट्स दिस, पर अफसोस इस क्वेश्चन को आईसीए ने डिलीट कर दिया सिलेबस से, ईआरपी के मेजर पीछे ये जो है क्वेश्चन जो है वो आईसीए ने अब डिलीट कर दिया, एनीवेज नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा, व्हिच आर द ऑप्शन पॉसिबल टू डिफरेंट, ये दे देना क्वेश्चन, ओ ओ ओ ओ ओ, देखते हैं कितने लोग आया, बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछा है, व्हिच आर द ऑप्शन पॉसिबल टू डिफरेंट यूजर्स व्हाइल असाइनिंग एक्सेस, कितने टाइप के ईआरपी में एक्सेस दिए जाते हैं, 2, 4, 6, 8, नहीं 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 आरो, आप सही बोल रहे हैं, 4, C, A, V, C, 4, A, 4, V, 4, P, 4, समझ गया, अब आपको ये भी ऐसा सो रहा होगा कि हवले सा रिवाइज क्यों करना पड़ता है ना, तो आप भरोसा रखिए आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं, जब रिवाइज करता हूं आपके लिए चल रहा है, और अभी तो आपकी क्लासेस तो खत्म भी नहीं हुई, यू आर इन पोजीशन टू सॉल्व आईसीए पेपर, ये बहुत बड़ी कामयाबी आप सभी के लिए टालिया, क्योंकि ये लेवल आ रहा है क्लास के अंदर, ये आपके एफर्ट्स के ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है, यू ऑल केम कंसिस्टेंटली, यू अंडरस्टूड कंसिस्टेंटली, इसीलिए हो पा रहा है, आप ध्यान दीजिए, श्रद्धा रखिए, मैं आपको बहुत आगे ले जाऊंगा, नवंबर 2019 ये आपके सामने, चेक इट आउट, ओ नो, ये तो क्या है, ये भी हमारा नहीं है, ये बीवाईओडी, आपके लिए एक जेनरिक क्वेश्चन पूछा है, सेंट्रल डेटाबेस ईआरपी में होता है, सबका डेटा एक साथ में होता है, मान लिया, एज द कंप्लीट डेटा स्टोर्ड इन वन प्लेस एंजोरिंग सेफ्टी डेटा एंड मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डेटा इज अ बिग चैलेंज, एज एन आईटी एक्सपर्ट डिस्कस द रिस्क एसोसिएटेड विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ईआरपी, आपको पता है ईआरपी के 5 अलग अलग रिस्क है, और उसके रिस्क और कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल हमने किया, ये क्वेश्चन हमने कल रिवाइज नहीं किया,
पर हमने इसके ऊपर पूरी चिट्ठियां लगवा के लिए आपसे। और बहुतों को तो ये भी याद नहीं आ रही ऐसा कभी हुआ था पूरे चैप्टर में ऐसा कहा है। मैं आपको सिर्फ उसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूं। यही वो क्वेश्चन है जिसको हमने लिखा भी है, याद है? ईआरपी इंप्लीमेंटेशन इट्स अ रिस्क एंड रिटर्न कंट्रोल्स, याद है? पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अब चार्ट्स पे हमने कुछ लिखा नहीं इसके बारे में, पर मेन बुक पे लिखा है। चार्ट्स पे लिखा है, चार्ट्स पे लिखा है मतलब लिख के हो गया हमारा है। अब एक ही बाकी है, उसका रिवीजन हमारा हुआ नहीं है। और रिवीजन यानी कि कल मैंने रिवाइज नहीं किया उसको, उसके पहले किया था। पीपल रिस्क आपको याद है, एक रिस्क मुझे याद है जो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन कहते हैं, ये शादी जैसा रिश्ता है। ईआरपी के एक बार इंप्लीमेंटेशन होने के बाद आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है उससे पर नहीं, आपको निभाना पड़ेगा रिश्ता। ऐसे करते करते उन्होंने चार रिस्क बोली है। एक तो प्रोसेस वाले में सिर्फ दो ही बच्चे हैं, उसके एक बीपीआर है, एक प्रोसेस। एक काम करो ना, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना वाला, आज रात का जब 9:30 बजे का टाइम होगा आप उसको पढ़ेंगे। कल इसको एक क्वेश्चन है जो हमने लिखाया भी है, इसके अंदर काफी पॉइंट्स भी है। पर अब क्या होता है ना, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से समझाता हूं, वो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अगर आप सारे पॉइंट्स, और उनके बच्चे तो कम से कम 20-22 बच्चे होंगे, क्योंकि हर एक ने 5-6 बच्चों को जन्म दिया है, और इसमें दो ही बच्चे अच्छे, प्रोसेस वाले ने 2 बच्चों को दिया और पोस्ट उसका एक बच्चा है, बाकी सबके 4-5 के बच्चे, यानी कि 18-20 पॉइंट्स होंगे। यानी 5 मेन पॉइंट्स होंगे और उसके सब पॉइंट्स 20 होंगे। आप बच्चा ही पूछेगा कि सर इतना कैसे लिखेंगे, इतना मुमकिन ही नहीं, वरना यही क्वेश्चन होगा सिर्फ। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें कट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो आपको मेनली ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही अपने आपको लिमिटेड करके, अगर आपको सारे भी हेडिंग्स लिखना है, सारे जो मेन 5 है वो तो लिखना ही है, उसके अंदर क्या अगर आपकी कुछ हो सकता है आप हेडिंग्स ही लिख दो, या फिर आप हेडिंग्स नहीं लिख रहे हो, आपको लगता है थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो 2-3 पॉइंट को एक्सप्लेन करें। मतलब आपके पास में 6 मिनट के लिए, 6 मार्क्स के लिए आपके पास में एग्जामिनेशन में लगभग 10-11 मिनट होंगे, तो उसमें जितना लिखना है उतना ही लिखेंगे ना। ऐसा ज्यादा अगर लिखते बैठेंगे इमोशनल होकर, मैंने याद किया अब तो लिख के रहूंगा भारत माता की, ऐसा नहीं होता। मतलब याद किया, कुछ लोग क्या मैंने याद किया अभी तो लिखूंगा ही, वो 2 मार्क का रहा 10 का उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लिख के तो पूरा होऊंगा। आपको समझना पड़ेगा 6 मार्क में कितना वक्त है, 10 मिनट का वक्त है। ओके आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो बोलो बोलो, चलो भाई। वैसे किसी को एक क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कितने लोगों को याद आ रहा है? सबको सब कुछ देंगे या नहीं देंगे? उसको ईआरपी में से उतना ही एक्सेस देंगे जितना कि उसको सबको डिपेंड्स ऑन। वैसे ये चैप्टर 4 से बिलोंग करता है। किसी को 1 टायर 2 टायर 3 टायर याद है? कितने लोगों को याद आ रहा है 3 टायर? ओ रियली? आप रोज घर पे जाके रिवाइज कर रहे क्या? फिर कैसे हो गए? आप बात करेंगे 3 टायर में, आपके क्लाइंट्स होते हैं और बीच में एएस होता है, देखते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा, 3 टायर आपने बोला, ये मुद्दे को छेड़ा तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप बताओ 1 टायर में क्लाइंट भी हुई सर्वर भी हुई, और 2 टायर में क्लाइंट सर्वर अलग अलग, और 3 टायर में? 2 टायर में काम 3 थे, करने वाले 2 थे, यहां पे काम भी 3, प्रोसेसिंग का काम 3 टायर में कौन करता है? कौन डेटा स्टोर करता है? अगर मैं ई कॉमर्स के अमेजोन से कुछ बाय कर रहा हूं, मेरा लैपटॉप कौन? क्लाइंट। कौन प्लस माइनस करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिस्काउंट माइनस करता है? यस। और कहां पे मेरी ऑर्डर स्टोर हो जाती है? ओके फाइन गाइस, वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जिसका नाम है नवंबर 2020। आर यू देयर? नवंबर 2020 आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। आपको देखना है अच्छे से, डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा, सब कुछ मालूम है, टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन द कंटेंट इंक्रीजिंगली विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ये भी सब ठीक है, वो द डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जैसे यूट्यूब करता है। लिस्ट आउट एनी 3 एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन दिस टुडेज वर्ल्ड। क्या आंसर इसका?
वो कलेक्शन फिक्सिंग वाला आंसर है इसका। एक काम करो, आपके बुक में देखो जो डेटा कलेक्शन फिक्सिंग वाले क्वेश्चन का नाम क्या था। देखा आपने क्या गलती कर दी अभी, वो क्या नहीं हो उसका नाम पढ़ो, होता ना डेटा कलेक्शन फिक्सिंग प्रॉब्लम एंड मॉडल। लास्ट पेज पे देखो इस चैप्टर के चार्ट के, तो क्या वो उसका नाम डेटा एप्लीकेशन है? क्या इसका आंसर वो होगा जो आप बोल रहे हो? वो डेटा एनालिटिक्स के स्टेप्स है। ये बोल रहे हैं आपको, मेरा एक सवाल है आपसे कि जो आपने तीन स्टेप्स है वो इसका आंसर है कि नहीं है? ये बात सॉर्टेड है नहीं? आप बताओ इस दुनिया में आजकल डेटा एनालिटिक्स कहां कहां चल रहा है, ये उसका सवाल है। एप्लीकेशन है नहीं कि कहां पे अप्लाई हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। अरे डेटा एनालिटिक्स कहां हो रहा है? यूट्यूब पे हो रहा है, इंस्टाग्राम पे हो रहा है, पॉपुलेशन पे हो रहा है, हर जगह पे। जो ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी लगा रही है वो खुद चाहती है कि वो बीआई द्वारा आपको रिपोर्ट्स दे। कल ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने यहां से कॉन्सेप्ट से तो मुझे याद था, तो मैं याद करके गया था कि मुझे जाके उमेश को मिलना है कि आप अपने को चाहिए चाहिए बीआई। तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे बताया कि सर अपने पास में दो ऑप्शन है, एक तो मैं बना दूं बीआई या फिर हम लोग जो को लेके इसके माथे पे डाल दें। मतलब देयर आर टू वेज ना, एक तो आप देखो नीचे तो ईआरपी है ही, वो तो कॉन्स्टेंटली है, आप उसके ऊपर बीआई चाहिए तो मैं खुद बना लूं उमेश के द्वारा टीम के द्वारा, या फिर किसी और का लेके इसके माथे पे लगा दो, उसको बीआई टूल जो बाहर का बोलते हैं, बाजार में बीआई मिलता है जो लोगों ने बनाकर रखे हैं, आप अपने बिजनेस के हिसाब से डालो तो वो वैसे रिपोर्ट्स देना, अपनी स्क्रीन भी बन जाएगी एक ही दिन में। तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसने कल मुझसे पूरा लिखवा के लिए सर आप बता दो आपके स्क्रीन पे आपको 360 डिग्री में क्या क्या चाहिए। वो मुझे क्या हो रहा है सर आपके एम आई एस रिपोर्ट है ना, तो क्लिक करके तो मिलता ही था ना सब। मैंने कहा मुझे ज्ञान मत दो, मैं क्लास में आज ही बता गया, पूरा याद है मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे पुल नहीं करना है मुझे, और ये सब टेक्स्ट वाला डेटा मुझे पूरा ग्राफिकल चाहिए एकदम कड़क। देखा के बस, ऐसा देखा के बस समझ गया, और जब रंगीला बनाओ बार चार्ट पाई चार्ट एकदम माहौल दिखना चाहिए, जो ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ब्लिंक होना चाहिए, मुझे ऐसा चमकीला वो बना के दो, चमकता हुआ। बोले सर आपको सब एम आई एस मिल रहा है, मतलब एम आई एस की बात मैं समझ रहा हूँ, मुझे एम आई एस तो वो चाहिए वो वाइज वाइज रिपोर्ट देगा मेरे को, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। तो कल पूरा लिस्ट दिया मैंने उसको, कि पूरा लिस्ट दिया कि मुझे बी आई, क्योंकि उसका सवाल था अगर मैं बी आई बनाऊँ तो आप बताता हूँ कि आपको स्क्रीन पे। तो उसने फिर एक रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दिखाए, टेम्पलेट बोलते हैं उसको, जहाँ पे उसने टेम्पलेट 1 2 3 दिखा कि आपको स्क्रीन पे क्या क्या कैसा, मतलब कैसा कौन से कलर और कैसा यूआई आपको अच्छा लगता है। तो उसने वो सेलेक्ट किया, बोले सर ठीक है आपने ये सेलेक्ट किया, मैं ऐसे हिसाब से आपको बना के दूंगा, उम्मीद है इस क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको दिखा पाऊँ। तो फिर आप बोलेंगे एसपीसी में भी उसका एप्लीकेशन हो रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है टूडेज वर्ल्ड तो कहाँ हो रहा है, जहाँ पे ईआरपी लोग वहाँ पे लगा रहे हैं, यूट्यूब तो यूज़ ही कर रहा है, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पे जहाँ पे धंधा है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर ओके गाइस आगे बढ़ेंगे, शुड आई प्रोसीड गाइस? अब ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो आप छोड़ दीजिएगा, और आपको समझाओगे हमने टेक्निक याद की। कितने लोग आ रहे हैं 3A? सर क्वेश्चन क्या हो तो बताओ, अभी तक तो क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है। अरे वो सब ऊपर का 4 लाइन ज्ञान दिया है, आखिरी का पढ़ो, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी, 6 मार्क के लिए पूछा है, आ रहा है 6 मार्क के लिए? कितने लोगों आ रहा है, याद आ रहा है? एक काम करो जल्दी जल्दी आपके पास में, अरे मैं मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, आप एक जल्दी से अपने तसल्ली के लिए रफ में सारे पॉइंट्स सिर्फ हेडिंग्स लिख दो, बस देखना आपको याद आ रहा है कि नहीं, आपकी मेमोरी टेस्ट होगी। वो कैसा ना बोलते मैं एग्जैक्टली समझता नहीं कौन क्या बोल रहा है, रफ में लिखो, ऐसा एक चिट्ठी वेस्ट कर दो या कहीं तो लिख दो आपको जहां पे आपकी जगह है। देखो आपको वो कौन सा टेक्निक है वो भी आपको याद होगा, अरे कौन सा टेक्निक याद है ना, आईएलएस वाला। ओके फाइन, कम से कम 8-10 पॉइंट तो आ ही जाएंगे, मजे ले लो उसके। किसके बोल दो
आईएलएस, आईएलएस क्या था वो साइकिल, मैं क्यों बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। छह मार्क के लिए पूछा ऐसे ने, छह नहीं याद है सारे, थोड़ा सा मीनिंग भी अपने आप से देखो, इमेजिन करके आपको आ रहा है क्या? नहीं, आप खुद सोचिए ना उसके मीनिंग से, आप लिख मतलब इंग्लिश की बात नहीं, सिर्फ मीनिंग उसके याद आ रहेगा क्या कॉन्सेप्ट? हो गया, गाइस हो गया क्या? Yes, कितने पॉइंट्स याद है आपको? 11 पॉइंट याद आ गए। आर यू एबल टू सी द इंपैक्ट ऑफ टेक्निक्स? अगर वो ना होते तो आपके 6 चले जाते। और कुछ लोग लिखते भी तो ऐसी हेडिंग लिखकर आते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है। सर अगर मान लो हमने वैसा एग्जैक्ट हेडिंग नहीं लिखा, अपना जेनरिक कुछ तो भी अपना लिख के उसके जैसा सिमिलर वर्ड, वो नहीं चलता। वो हेडिंग देखता है, इधर हेडिंग देखता है बस, और उसको लगता है हेडिंग मैच है, तो अंदर जाके एक बार सोचेगा मैं पढ़ूंगा नहीं। हेडिंग मिस मैच तो वो आगे इंटरेस्टेड ही नहीं, इज नॉट इंटरेस्टेड, वो प्राइमरी मुद्दा है उसका। देखते कितने लोग याद कर पाए है इसको। दोस्तों फिर से एक बार रिकॉल कर लेते, एक बार फिर से एक बार याद करें, कितने लोग याद कर पाए? सभी लोग? कितने लोग? 6-7 पॉइंट्स। अच्छा सर, 7 तो क्या, 10 पॉइंट्स पूरे याद आ गए, अमेजिंग। एक बार देखते आईएलएस पे, साइकिल पे, कस्टमर को, सप्लायर, फ्लेक्सिबल कॉस्ट में एक्यूरेट एनालिसिस करके टेक्नोलॉजी देता है, राइट? आई फॉर व्हाट, कम ऑन, यानी कि ईआरपी में इंटीग्रेशन है। एल फॉर व्हाट, कम होता कि ज्यादा होता? एग्जाम्पल ब्लिंकिट जो आया था। एस फॉर व्हाट, यानी कि ऐसा ऑर्डर आया कि शिपमेंट चालू हुआ आईएलएस में, साइकिल पे, साइकिल टाइम कम या ज्यादा? कम हो रहा है। साइकिल पे कस्टमर को, सप्लायर, कस्टमर, कस्टमर सारी से, सप्लायर जोमैटो के सप्लायर टाइम पे खाना बना रहे। फ्लेक्सिबल, यार भी बहुत फ्लेक्सिबल है, जैसा चाहे वैसे बदलता है। कॉस्ट, क्वालिटी भी बढ़ती है, कॉस्ट भी कम हो जाता है। और एक्यूरेट, आपको आपके डिसीजन मेकिंग थार के जो है एक्यूरेट हो जाते हैं, आप डिसीजन अच्छे से दे सकते हो, प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? ईआरपी के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एग्जाम्पल क्लाउड है, मोबाइल कंप्यूटर। क्या आपको लगता है टेक्निक याद करना जरूरी था? अब क्या होता ना, अक्सर क्लासेस में टेक्निक याद करवाते नहीं है, वो पढ़ा दिए, वो बोलते कि मेरा पढ़ाना हो गया। अब फिर क्या होता है, क्लासेस 10-20 दिन जल्दी खत्म हो जाती है, ना उन्होंने रिविजन किया, ना उन्होंने याद करवाया। अब क्या होता है, सारा टेंशन बच्चों को, बच्चों को सिर्फ लगता है मेरा क्लास होगा। पर घर पे जाने के बाद में जो हम लोग क्या करते हैं, हमने फर्स्ट 1 से लेके 70 तक काम कर लिया है, अब 71 से स्टार्ट करोगे घर पे। बाकी क्लास में क्या होगा, वो 1 से लेके 10-20 तक पहुंचा, उसको 21 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्लासेस के बाद में जो वक्त लगेगा, याद कर रखना दिमाग में कि ईएस को बहुत टाइम नहीं लगेगा,
ना एसएम को ना एफएम को, बिकॉज इतने बार वो रिवीजन हो रहा है, समझ आ रहा है। इसका फायदा आपको पीएल में जरूर होगा, आपको लगेगा यार इतना जल्दी हो गया बिकॉज आपने इतनी मेहनत जो की है। ओके आगे चलो। ये सीबीएस है और ये पब्लिक क्लाउड तो आपको याद है वैसे। चलो नेक्स्ट पेपर आपके सामने जनवरी 21 से, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, आप देखते कौन जवाब देगा। ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में पूछा है, टॉप मैनेजमेंट पूछा है, यूएसएसडी पूछा है, मनी लॉन्ड्रिंग पूछा है, पेमेंट गेटवे पूछा है, और इन्होंने ओके चार मार्क के लिए पूछा, देखते कितने लोग जवाब देंगे। क्लाउड में और इंस्टॉल्ड ऐप में क्या फर्क होता है, कितने लोगों को याद आ रहा है, याद है? इसका डेटा क्लाउड पे रहता है, क्लाउड पे इसका डेटा कंप्यूटर में रहता है, वहां पे जाके एक्सेस करना पड़ेगा। इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी इन द वर्ल्ड, यू नीड ओनली वन एप्लीकेशन, यू नीड मल्टीपल एप्लीकेशन, इट कैन बी एक्सेस थ्रू मोबाइल ऑल्सो, क्लाउड है। और क्लाउड और इंस्टॉल में आप बताना मुझे आजकल लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। मेरे ऑफिस में टैली जो है वो क्लाउड है या, और एसपीसी एडमिशन सॉफ्टवेयर क्या है। ओके चार मार्क के लिए पूछो, फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस। ओके अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये तो एसएम चल रहा है राइट, हाँ एसएम। ओके जुलाई 21 अभी बस देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ओ बेबी तीन मार्क के लिए बीआई के फायदे कम ऑन गाइस, बिजनेस इंटेलिजेंस के फायदे क्या इसका टेक्निक ईएसएसएम है, नहीं है? क्या इसका टेक्निक डीएसएलआर है, नहीं। क्या इसका टेक्निक आईएलएस पे साइकिल वाला है, नहीं। क्या इसका टेक्निक वो है, वो वाला क्या याद आया, वापस से, कंपटीशन में रेवेन्यू याद आ रहा है। आप बात करेंगे बीआई टूल, दुनिया का हर डेटा एनालिटिक्स जो बिजनेस के बारे में बात करता है उसका नाम हो जाता है बीआई। कैसा होता है, टेक्स्ट में या ग्राफिकल में, इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, 180 डिग्री, 360 डिग्री, क्या पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्राफिकल होगा। हाँ आप बताए इसके फायदे कौन से, कॉम्पिटिशन का मतलब कौन सा, जिसके पास बीआई होगा उसे कॉम्पिटिशन में एडवांटेज मिलेगा। आगे बोलो, कॉम्पिटिशन में रेवेन्यू, यानी कि बीआई की वजह से रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। डी फॉर व्हाट, यानी कि आप 5 डिसीजन ले सकते हो। आई से इंटरनल प्रोसेस आपकी अच्छे से हो जाती है, और ई अब इतना सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है तो कम समय में ज्यादा ही काम हो जाएगा। एवरीवन हाँ बोलो, क्या बोला आपने, वापस बोलो, कंपटीशन में रेवेन्यू डाइव, कंपटीशन फिर से एक बार, आपके पास बीआई तो तब कंपटीशन में आगे जाओगे, एज मिलेगा, रेवेन्यू आपकी कम होगी बढ़ेगी, डी से डिसीजन मेकिंग अच्छे होंगे खराब होंगे, अच्छे होंगे, आई से इंटरनल प्रोसेस ऑप्टिमाइज होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी कम होगी। तीन मार्क के लिए पूछा है। और देखो बच्चों ऐसा कि अगर से मुझे बीआई मालूम है और ये टेक्निक याद नहीं करना तो आपका आंसर जेनरिक मानते हैं, 3 में से 0.25 मार्क्स दे देंगे, क्योंकि आपने क्या लिखा है ना जेनरिक, वो पूछ रहा ही नहीं ना आपको, वो क्या बोल रहा है मुझे बेनिफिट चाहिए, आप बीआई का ज्ञान दे के आ रहे हो, वो जो वो बोलेंगे तो ये सब मैं समझता हूं तो बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, पर मैंने पूछा क्या तेरे को, वो जो पूछा टू द पॉइंट बात करो, फालतू का फेंक के आपने एक पेज लिखा बीआई के बारे में और वो सही भी है पर उसमें बेनिफिट शामिल नहीं है तो बोले जान दे आधा दे दे उसको, 3 में से आधा, क्योंकि उसको वो चाहिए नहीं ना, वो पूछ रहा क्या, तुम बोल रहे क्या, ऐसा नहीं चलेगा। ये भी 19 में से 6 में से है। December 21 देखते किसके दिमाग में आता है,
बोलते हैं एमआईएस के रिपोर्ट को अच्छा करने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें को होना जरूरी है, और जानबूझ के इन्होंने तीन वर्ड लिखा, थ्री। ये देखा एक कमीनेपन की सुगंध आ रही होगी आपको यार, क्यों बोला गया थ्री? अब जिसने स्टार याद किया वो तो साला चार पूछा है। देखिए ऐसा तो क्वेश्चन नहीं हमने कवर नहीं किया, यानी कि आपके दिमाग में दो चार चीजें तो एग्जामिनेशन में वैसे ही कॉन्फिडेंस लो होता है। वहां पे अपन चार याद की, इन्होंने खुजली करी है जानबूझ के ताकि आपके दिमाग में जो थोड़ा बहुत आंसर का कॉन्फिडेंस है ना वो भी छीन ले आपसे। दे प्ले विथ योर माइंड सेट। देखा ये कमी, ये देखा थ्री लिख के क्या कमीनापन नहीं है, इसको जिसने बना ना उसको अकेले में मिलो। आप बोला भैया चार क्यों नहीं पूछे तुमने, बोलो एस फॉर टी फॉर ए फॉर आर फॉर, क्या आप इसका मीनिंग भी थोड़ा लिख पाओगे? एमआईएस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है मतलब टी से, यानी कि जब मांगा, ए फॉर व्हाट, एरर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आर से व्हाट, यानी कि जिसका धंधा है वही होना चाहिए। अगर मैं कोचिंग में तो कोचिंग ओरिएंटेड डेटा होना चाहिए, बिल्कुल सही पकड़े हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन था, बोलो ना ये जवाब दिया मतलब यू आर स्मार्ट। आज भी अभी याद किया, अभी कंट्रोलिंग मॉड्यूल कितने लोगों याद आ रहा है? कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या उसका मेन मुद्दा जानते हो क्या काम है? क्या काम करने के लिए? कॉस्ट कम करने के लिए, सही पकड़े हैं। आप बताओ क्या क्या करता है, मतलब होता क्या है इसमें? इसमें हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिखते हैं, वो एक्चुअल कॉस्टिंग लेता है और बताता है कि हमारा वेरियंस क्या, कहां पे हमारा एडवर्स वेरियंस आ रहा है। याद है ना कंट्रोलिंग मुद्दा क्या है इसका? एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट। अच्छा बताओ क्या होगा कॉस्ट बढ़ गई तो? कॉस्ट बढ़ गई तो आप यू विल बी आउट ऑफ कंपटीशन। बढ़ा के देखो कॉस्ट, आप कंपटीशन से बाहर जाओगे, लोग आपको इतना महंगा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा दूसरी बात, आप ऐसे दो तीन एग्जाम्पल दो कुछ इंडस्ट्री के जहां पे कॉस्टिंग पे बहुत ध्यान रखना वरना आप बाहर चले जाओगे। आप बताओ कॉस्टिंग एफएमसीजी में, ओके, और मोबाइल इंडस्ट्री में, कोई भी जगह पे आपके एक प्राइस पॉइंट होता है, उसके ऊपर जाओ तो लोग बोलेंगे बहुत महंगा हो रहा मुझे नहीं लेना। अच्छा है तू बहुत, पर तेरे घर में रख, बेचने लायक नहीं है तू, सिर्फ देखने लायक। कभी कभी होता है ना देख के मजा आता खरीद के नहीं, समझ क्या बोलता रहे? तो आप बताएंगे इसमें, आपको याद होगा कंट्रोलिंग के अंदर पांच छह पॉइंट्स थे, कितने? छह सात पांच, पांच छह सात, सात है क्या? पांच तो कॉस्ट के हैं, दो तो बेनिफिट के हैं। क्या आप इनको अपनी इससे लिख पाएंगे या फिर मैं बोलता हूं आप बताओ मैं किसके बारे में बात करूं? हाँ चलो ऐसा करते हैं, ये आपको पूरी ओवरऑल कॉस्टिंग बताएगा, उसको कॉस्ट एलिमेंट्स बोलेंगे। आपको एचआर का कॉस्ट, फाइनेंस का कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर बोलते हैं उसको, राइट है? फिर मुझे वो बताओ एक एक लक्स की कॉस्ट, लाइफबॉय की कॉस्ट, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। बेस्ट है, आप जैसा कोई नहीं। सुनो कभी कभी दो डिपार्टमेंट की मिलके कॉस्ट होती है, उसको एक्टिविटी बेस्ड बोलते हैं। कभी हमें जानना है कि प्रोडक्ट वाइज नहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बिजली का कॉस्ट कितना है, वो है इंटरनल ऑर्डर कॉस्ट। फिर प्रॉफिटेबिलिटी में दो है, वो कौन से? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रॉफिट सेंटर। अगर मैं आईटीसी कंपनी के सुट्टे का प्रॉफिट, होटल का प्रॉफिट, एग्रीकल्चर ऐसे जानता हूं तो क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट, और ऑल ओवर प्रॉफिट जानता हूं तो बेस्ट है। कितने लोगों ऐसा जो बताओ अंदर से आया? छह मार्क के लिए क्वेश्चन है। और सिर्फ अगर मैं आपको कंट्रोलिंग पढ़ाता और ये अंदर का देखो आज भी आने था, मैंने रिवाइज किया क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन में आपकी इज्जत लूटते हैं। अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट पता है और ये अंदर का मटेरियल नहीं पता ना तो वो बोलेगा ये इसका ठीक है कंसेप्ट का, छह मार्क्स एक दे दो चलो ठीक है। तो यानी कि कंट्रोलिंग में आपने बहुत लेट लेट के लिखा एक पेज,
पर आपने ये 7 पॉइंट्स नहीं लिखे तो आपको एक दे देगा, बोले जान दो ठीक है इतनी मेहनत कर रहे हैं चलो 1.25 दे दो बस, क्योंकि आपने वो नहीं। फिर बच्चा क्या बोलता, मैंने सर सबसे पहले सप्लीमेंट मैंने ली, सबसे ज्यादा मैंने लिखा, और मम्मी कसम मैंने एक भी गलत नहीं, मैम कब बोल रहे गलत लिखा, सही लिखा है पर वो नहीं लिखा जो लिखना था, कंट्रोलिंग लिखा है पर वो पूछ रहा क्या आप लिख रहे, वो बोल रहा है कि 6 चीजें बताओ उसके, लिखा ना कुछ 6 key features, तो वो तो लिखना पड़ेंगे ना, तो आप उसको लेट लेट के कंट्रोलिंग के बारे में, ये इंडस्ट्री में एचयूएल में ऐसा होता है, इसमें तो मोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कॉस्ट कंट्रोल करना जरूरी है, ये सब ग्लोबल ज्ञान दे दिया बहुत अच्छा किया, उसकी इज्जत है उसका 1.5 मार्क है, पर जो आप मुद्दे से भटक रहे हो, कभी कभी होता ना इंटरव्यू में आप वो पूछते आपको नहीं आना आप उसको घुमाते हो, वो बोला ये नहीं सुनना मुझे वो बता जो मैं पूछ रहा हूं, नहीं सर वो बता जो मैंने, वो ऐसा पॉइंट है। और इधर मैं आपको बता रहा हूं, ईआईएस आपको समझ रहा, मुझे समझ रहा, जो चेकर है उसको घंटा समझता नहीं, चेकर कौन है ये अंदाजा लगा है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके जमाने में ईआईएस था ही नहीं। अब मुसीबत देखिए, प्रॉब्लम हमारी विडंबना है हमारी जिंदगी की, हमारी जिंदगी से खेला जा रहा है रोज, मतलब चेकर को हमसे कम नॉलेज है, तो आप सोच सकते हो क्या चेकिंग उसको बोलता, इधर ये हेडिंग्स दिख रही इधर नहीं दिख रही, मजा नहीं आया, मतलब आपका सही गलत का तेल लगा रहे, इसमें वो नहीं दिख रहा है जो मेरे सजेस्टेड में मॉडल आंसर में लिखा है, क्या लिखा कुछ भी लिखता है फिर कुछ नहीं होगा आपका, यानी कि गलतियां उनकी है, उन्होंने तो उन बंदों से पेपर चेक करवाना चाहिए जिनको ईएएस का इनडेप्थ नॉलेज है, पर हमारे आईसीआई की भी प्रॉब्लम है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को टेक्नोलॉजी का भरपूर नॉलेज है नहीं, और जिनको टेक का नॉलेज है आईआईटी वाले वो आपके पेपर चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं, ए मैं करूं, ए भैया मेरी जिंदगी सुकून से चल रही है और वैसे मेरा आरओआई निकलेगा नहीं, आईसीआई को मैं परवड़ेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नहीं आईसीआई का स्टैंडर्ड है 150-200 रुपए देंगे या 100 रुपए देंगे, अरे दिन में कितने 50 पेपर चेक करूंगा, 5000 रुपए दिन के मैं कमाऊं, भैया कौन है मैं क्या तुम नहीं करोगे सीए होने के बाद, तुम करोगे 4000 रुपए रोज के, मतलब 26 संडे को हटा दो 1 लाख रुपए महीने में काम करोगे आप, क्रेजी अवार्ड, और वो भी चलो 10 साल के प्रैक्टिस करते नहीं करोगे, सीए बनने के बाद 10 साल बाद तो आप 1 लाख रुपए नहीं कमाओगे ना, यू वुड लाइक टू अर्न पर एनम इन क्रोर्स, मे बी 4-5 लाख रुपए महीने के तो कमाओगे, तो ऐसा देता क्या है आपको पूरे मिला के महीने में 1.25 लाख रुपए पेपर चेक करने के, इसलिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होता, उसमें कौन चेक करता है आपको बताता हूं, ऐसी महिलाएं जो सीए बनी हाउसवाइफ है पेपर चेक करने राइट कैंडिडेट है, उनको फील भी होता मैं सीए का कुछ कर रही हूं, और क्योंकि वो कहीं और काम नहीं कर रही है, ये लोग ऐसे लोगों चुनते हैं जो सीए बन तो है पर अभी फिलहाल प्रैक्टिस में नहीं है, जॉब में नहीं है, पार्ट टाइम काम करना चाहती है, दो पेपर चेक कर, समझे आप, अब सोचो महिला की जिंदगी में और कितने टेंशन होंगे, 3 बच्चे रो रहे हैं उसके, आपका पेपर बीच में आ गया, वॉट बच्चे ने सुसु कर दिया है क्या तू, नहीं ऐसा नहीं होगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियल लाइफ डिफिकल्टी ऑफ पेपर चेकिंग, तो आप जितने लोग पेपर लिख रहे हो ना, अगर आपको लग रहा ना आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं पेपर चेक करवा के, तो इज्जत से पेपर लिखना, हैंडराइटिंग अच्छी निकाल के, डायग्राम वगैरह ठोक के, एग्जाम्पल देके, किसी भी आम रीडर को भी समझ में आए ऐसा पेपर लिखना है, हेडिंग में गलतियां नहीं करना है, वो हवला आदमी उसको कुछ पता नहीं है वो पेपर चेक कर रहा है, बहुत आपकी किस्मत अच्छी होगी जो ईआईएस को समझ पा रहा है, वैसे इंडिया में 10% लोग हैं जो ईआईएस के पेपर को एक्चुअल में समझते भी होंगे, अकाउंट्स के एफएम के पेपर कॉस्टिंग चेक करने का टेंशन इंडिया में नहीं, टैक्स के भर भर के लोग हैं, जितने लोग हर गली में टैक्स वाला बंदा है, ये सब्जेक्ट की अलग प्रॉब्लम है, इसलिए लोग है नहीं, इसलिए आप इसको उसको देख के पेपर लिखना, समझ आ रहा है, इसीलिए आगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, मोबाइल कंप्यूटिंग पूछा था वैसे, द लास्ट क्वेश्चन पेपर कहां से आवाज आ रही, इसको अकेले को ब्रेक दो रहे, हाँ आगे आ जाओ,
दोस्तों आपके सामने ये आया, अच्छा ये तो रिसेंट है, नवंबर 22 गर्मा गर्म पेपर, जिसका रिजल्ट अभी कल परसों आया है, एकदम गर्म जलेबी है, देखते कौन खाना चाहेगा। एवरीबॉडी, कितने लोग आ रहे हैं चार मार्क के लिए? चार मार्क मिलेगा, इंस्टॉल क्लाउड, इंस्टॉल क्लाउड, इंस्टॉल वर्सेस क्लाउड एप्लीकेशन, चार मार्क्स मिलेगा, चार पॉइंट पे चार मार्क्स। बोलो भाई, क्लाउड और इंस्टॉल में कहां पे, हार्ड डिस्क में होएगा? दुनिया में कहीं से भी एक्सेस होगा। एंटर वर्ल्ड विल रिक्वायर ओनली वन सॉफ्टवेयर, इट रिक्वायर मल्टीपल सॉफ्टवेयर। लेटेस्ट कौन सा है? एसपीसी का एडमिशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? मेरे ऑफिस में टैली सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसको चेंज करना है, हर जगह पे जाके चेंज करना पड़ता। हाँ, ओवर दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, आई एम हियर ऑन द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन। ओ वे वे, एवरीबॉडी नाउ, आपको जवाब देना है, क्या आपने कभी एससीएम के बारे में सुना है? वो कह रहे हैं एससीएम के बारे में, एज एन आईटी कंसल्टेंट ऑफ अ कंपनी, हाउ विल यू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट टू माइग्रेट देयर एक्टिविटीज टू ईआरपी सिस्टम बाय एक्सप्लेनिंग बेनिफिट। वो आगे बढ़ते हैं, टुडेज ईआरपी कैन कवर वाइड रेंज सच एज एचआर, सच एज एससीएम, सीआरएम, फाइनेंस, सब कुछ ईआरपी के अंदर है। एज एन आईटी कंसल्टेंट, हाउ विल यू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट टू माइग्रेट ईआरपी को, अगर कोई इंसान ईआरपी नहीं यूज कर रहा है, आप उसको क्या पटाओगे तो ईआरपी पे आएगा? ईआरपी के क्या फायदे समझाओगे आप? कितने लोगों का आंसर याद आ रहा है? क्या आंसर है इसका? आईएलएस, आईएलएस। कितने मार्क के लिए? आज दावे के साथ कहता हूं, प्रेस्टीज पॉइंट से बाहर निकलने कोई भी क्लास वाले बोलो तो आज एक काम कर, नवंबर 22 भी सॉल्व कर, मैं भी करता। ये लेवल आने के लिए बहुत दिन हमने प्रैक्टिकल पढ़ा, फिर उसको रिवाइज किया, फिर उसको याद किया, अब जाके आपका लेवल ये है। ये ऐसे लेवल नहीं आता है, आपने उसके ऊपर तो टाइम डाला है, राइट? अभी आप, यू आर बिकमिंग अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल। आप किससे भी कंपैरिजन कर लेना, आज ही पूछना, चलो बोलना लेट्स टॉक अबाउट इट, आई एम वेरी श्योर दे विल नॉट। आज से एक सवाल मैं आज से पूछूंगा, कितने लोग आ रहे हैं आईएलएस के बारे में आ रहे हैं? एक बार बोलेंगे आईएलएस, आईएलएस कॉलेज में साइकिल पे कस्टमर को सप्लाई करने के लिए फ्लेक्सिबल कॉस्ट में एक्यूरेट एनालिसिस करके टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया जाता है। आई फॉर कम ऑन गाइस, नाउ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होती है। एल फॉर कम ऑन गाइस, लीड टाइम कम होता है। एस फॉर व्हाट, आपका ऑन टाइम शिप आईएलएस कॉलेज में साइकिल पे, साइकिल टाइम कम या ज्यादा? कम। ओके, कस्टमर खुश या नहीं खुश? सप्लाई का परफॉर्मेंस अच्छा या खराब? ओके, फ्लेक्सिबल, मतलब ईआरपी फ्लेक्सिबल है कि नहीं है? और कॉस्ट ईआरपी से क्वालिटी की कॉस्ट कम हो जाती है क्या? थार जैसे लोग एक्यूरेट प्लानिंग एनालिसिस करके प्रोडक्शन का डिसीजन ले सकते हैं टेक्नोलॉजी ईआरपी में? जैसे एग्जांपल क्लाउड है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, चार और चार आठ। ओके गाइस, ये था आपके सामने नवंबर 22 एग्जामिनेशन। एक बार आप सभी के लिए तालियां, सुपर, फैंटास्टिक।